इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव हार चुके हैं। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से शिकस्त दी है। तो पल्लवी पटेल वहां से जीती हैं, 7,337 वोटों से उन्होंने हराया है केशव प्रसाद मौर्य को। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से बंपर जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का हारना वाकई में उनके लिए एक बड़ी और बुरी खबर है। देखिए, काउंटिंग उस कंडीशन पे आके ही रोकी गई थी जहां लगभग क्लियर हो गया था कि यहाँ की जनता जीत चुकी है, उसी कंडीशन पे आकर के काउंटिंग जानबूझकर रुकवाई गई। लेकिन वी से व्हाटएवर एंड्स वेल दैट एंड्स वेल, तो अंत सब अच्छा है तो सब भला है। आपने कहा कि बेटे का जादू खत्म हो गया, घर में बहू का राज चलेगा? मुझे ऐसा लगता है बेटे का जादू खत्म नहीं हुआ, लेकिन बेटा अपने आप को किसी काम का प्रूव नहीं कर पाया, वो निकम्मा साबित हो गया। बहू की क्या जिम्मेदारी होगी, किस तरीके से सिराथू का विकास करेगी, क्या किस प्लानिंग रहने वाली है बहू की? मेरी सबसे पहले और अहम जिम्मेदारी यह है कि मैं उन लोगों के बीच में जाऊं, अपनी जनता के बीच में जाऊं, जिन्होंने मुझे पूरी ताकत से विपरीत परिस्थितियों में भी पूरा सहयोग दिया है और मेरे सर पर ये ताज लगाया है। तो सब कितने वोटों से आपने जीता है? आप जीती है यहाँ पर 5,000 लगभग 6,000 वोटों से मेरी जीत हुई है, और मैं ये मानती हूँ कि मैं जनता के बीच में जाऊंगी तो सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो क्या मेरे लिए पैरामीटर सेट करते हैं, वो क्या चाहते हैं, मैं सबसे पहले किसको प्रायोरिटी पे रखूं। उम्मीदों पे खरा उतरने को प्रयास करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर उन्होंने मेरे ऊपर मुझे अपना वोट देकर के अपना जनप्रतिनिधि चुना है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, 100% देने का प्रयास करूंगी कि जो उनकी उम्मीदें मैं पूरी करूं। अखिलेश जी ने जो समीकरण तैयार किया क्या उसमें आप? मुझे ऐसा लगता है कि आज जब ये सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है तो मेरे नेतृत्व को खुशी होगी कि जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी, मैंने उसमें अपना 100% देकर के जनता के सहयोग से, आप लोग के सहयोग से, सभी के सहयोग से उस अंजाम तक पहुंचाया है।